मार्केट फंडामेंटल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रीडल वाइस एसेट मैनेजमेंट के सी आई ओ भट्टाचार्य जुड़े हैं उनसे समझते हैं कि क्या करना है इसमें मार्केट में त्रिदीप जी गुड मॉर्निंग क्या आपको लग रहा है कि मार्केट में एक करेक्शन अब खत्म हुई यहाँ से अब वापस तेजी या फिर अभी भी थोड़ा सा कोशिश रहने की जरूरत है सो मेरे ख्याल में अभी ये दो दो अनसर्टेंटी के कारण थे मार्केट के पहले आज से अगर मान लीजिए दो वीक पहले देख लें एक है यूएस इलेक्शन और दूसरा जो है वो करंट अर्निंग सीजन मेरे ख्याल में यूएस इलेक्शंस के जिस हिसाब से नतीजे सामने आ रहे हैं वो एक अनसर्टेंटी हट जाएगी हट जाएगी आज आज या कल के बाद तो उससे मार्केट को एक रिलीफ रैली कह लीजिए या फिर थोड़ा सा बाउंस देखने को मिलेगा पर मेरे हिसाब से जो बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे सामने ये है सोचने के लिए वो ये कि ये जो रिजल्ट सीजन गया है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया है और नेट बैलेंस यहाँ पे कंपनीज के अर्निंग्स का जो अपग्रेड का साइकिल था उसमें एक कट देखने को मिला है आ, उस कट कर, कर का, का कारण समझना जरूरी है मेरे हिसाब से उस कट का कारण थोड़ा ट्रांजियंट है थोड़ा शॉर्ट टर्म है और ये थोड़ा मार्केट को नियर टर्म में तकलीफ देगा Uh, एक बार जब हम सेकेंड हाफ के तरफ फेस्टिवल के आने हो जाएंगे uh, 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 की तरफ़ रुझान करेंगे उस समय आपको एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी पॉज uh, uh, तो, देखता हूं बिफोर द रन एन ए बिग चेंज इन डायरेक्शन बट एट द सेम टाइम इसके फंडामेंटल कारण भी हैं जिसके चलते ऐसा हो रहा है hmm, okay. आज आईटी में बहुत शानदार तेजी है क्या ये अब माना जाए कि बस अब मार्केट में एक जो फियर फैक्टर था जिसकी वजह से गिरे थे अब वो बस आउट द वे हुआ और अब मार्केट रेडी टू तो मूव ऑन आई में देखिए इसमें आईटी में मैं अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे फंडामेंटल इन्वेस्टर हैं हम लोग तो अगर आईटी में इस क्वार्टर में अगर आप नतीजे देखें तो वो एक ऐसा सेक्टर है जहां पे कंपनीज के नतीजे जो हैं वो एक्सपेक्टेशन uh, के बनस्बत बेहतर आए हैं Uh, तो इसलिए आई में एक पॉजिटिव uh, थोड़ा बहुत uh, 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 रुझान पहले भी था ये जो यूएस इलेक्शन का जो आउटकम है uh, जो मोस्ट लाइकली इट लुक्स लाइक ट्रंप की तरफ जाने वाला है uh, और फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू अगर और uh, ट्रंप का अगर आप पॉलिसीज देखें विच इज मोर फिजिकल पॉलिसी डिपेंडेंट मोर ग्रोथ डिपेंडेंट तो अगर यूएस इकोनॉमी की ग्रोथ रिकवर करेगी तो आईटी भी उसके पीछे एज ए प्ले ऑन दैट बेहतर कर सकता है तो ये सबका मिला जुला रिएक्शन आपको आईटी के शेयर्स में देखने को मिल रहा है कुछ हद तक रिलीफ है आ, कुछ हद तक अर्निंग्स ड्रिवन है और कुछ हद तक ये भी है कि ये सेक्टर में अभी भी अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन थोड़े से कम थे ओके मेटल्स में अब क्या भी होगा आपका यहाँ से मेटल्स में ए, एक टैक्टिकल शॉर्ट कवरिंग रैली हम देख सकते हैं ऑन द बैक ऑफ यू नो अनसर्टनली गोइंग अवे ग्लोबली बट मुझे लगता है कि मैम ट्रैक्टिकल ट्रेड के हिसाब से ही देखता हूँ एज अपोर्स टू बी स्ट्रक्चरली बुलिश मेरा यह मानना है कि फ्रॉम ए चाइनीज स्टिमुलसइ थोड़ा स्टिमुलस uh, आने की शायद उम्मीद है जिसके चलते ट्रैक्टिकल रैली शायद देखने को मिले पर उसके बाद स्ट्रक्चरली जो उनका ग्रोथ इंप्रूवमेंट होना थोड़ा मुश्किल दिखता है इसलिए यू नो मे बी टैक्टिकल भी ए पॉजिटिव ट्रेड पर स्ट्रक्चरली हम मेटल्स एंड माइनिंग में थोड़ा अंडरवेट है हमें लगता है कि नेट नेट जो कमोडिटी uh, डिपेंडेंस है वो कम हो रही है एंड uh, साथ में ग्लोबल ग्रोथ में भी थोड़ा बहुत जो इंपैक्ट है पर्टिकुलरली चाइना की तरफ कुड कीप द कमोडिटीज अंडर प्रेशर ओवर द मीडियम टर्म्म तो दीप जी जिस प्रकार के नंबर्स बैंक ऑफ बड़ौदा के आए या फिर पीएनबी के नंबर्स आए मतलब उसके बाद पी एस यू बैंक्स में अच्छी खासे मूव हैं लीडरशिप पिछले दस दिन में उन्होंने अपने पास ही रखी है क्या अगर एसबीआई भी कुछ इसी प्रकार के नंबर्स स्पेशली एन को मेंटेन काफ़ी अच्छे तरीके से अगर कर ले और तो क्या पी एस यू बैंक्स एक क्वार्टर के लिए है? या फिर तीन चार महीने की लीडरशिप विद इन बैंक्स रख सकते हैं क्या अपने पास देखिए पीएसयू एस बैंक्स आ... काफी बेहतर चले पिछले एक साल में थोड़ा करेक्शन आया और उस करेक्शन के बाद थोड़ा सा आपको बाउंस बैक देखने को मिल रहा है मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम्स ऑफ पीएसयू बैंक्स अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म के लिए एक ट्रेडिंग रैली आ सकती है क्योंकि नतीजे अभी भी ठीक ठाक है पर मेरे ख्याल से द बेटर पार्ट ऑफ गेन्स विद इन पीएसयू बैंक इज बिहाइंड अगर आप जो इजी गेन था जो वैल्यूएशन रिलेटेड रिलेटिंग एक होना था जो एक लोअर देन वन प्राइस टू बुक में ये ट्रेड कर रहे थे वहां से चढ़ के सब 1.1 1.2 के रेंज में जाने का जो एक ट्रेड था इनिशियली वो ऑन द बैक ऑफ इंप्रूविंग फंडामेंटल्स हो गया है इसके बाद अ uh, जैसे अभी क्रेडिट साइकिल शुरू होगी तो उसमें एसेट uh, 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 जो एसेट uh, साइकिल uh, है उसमें ये लोग कैसे फेयर करते हैं उस पे काफी हद तक डिपेंडेंट करेगा तो बेसिकली कंपनी स्पेसिफिक होने का uh, uh, ज्यादा रुझान है यहाँ से एज अकोस्ट टू पीएसयू बैंक एज ए कैटेगरी सो फ्रॉम हियर ऑन वी आर लिटिल मोर सिलेक्टिव इन पीएसयू बैंक्स और कंपनी uh, स्पेसिफिक uh, uh, तरीके से देख रहे हैं एज अकोस्ट टू एज अ बास्केट ऑलराइट बिल्कुल तनिष जी